ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे एंड माय सेल्फ कॉल्ड सबा गिजाली। जनाब आज हमारा शो का फॉर्मेट है थोड़ा सा मुख्तलिफ। आज हमने बुलाया है एक हमारे साथ गेस्ट स्पीकर को जिनसे हम बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि वो करें थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि होपफुली आप लोग ठीक होंगे, कैसे हैं, एंजॉय करें पीएसएल को। पीएसएल दोबारा से आ चुकी है और देखते हैं क्या बनता है, कौन जीतता है, कौन बनता है चैंपियन पीएसएल टू टाइम्स इन अ ईयर। जनाब ये है आज का सिनारियो और इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने गेस्ट स्पीकर को। हमारी आज की गेस्ट स्पीकर हैं मिस अनम तारिक। यस आरजे अनम तारिक, आप सुनते हैं वीकली डोज विद अनम, तो वही है हमारे साथ जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर है, इसके अलावा नई सुबह में एज अ मेंटोर ऑफ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम सर्व कर रही हैं और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आप सर्व करती हैं। स्पेशल एजुकेटर हैं और एक्सपीरियंस रखती हैं स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से, खासकर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के हवाले से। तो बात करते हैं आपसे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो, इट्स ऑनर फॉर मी। सो अनम, बात करेंगे आपके हवाले से, आपकी लाइफ जर्नी के हवाले से। पूछना चाहेंगे आपसे कि आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, साथ ही साथ आपके साथ भी ये विजुअल इम्पेयरमेंट और जो प्रॉब्लम है ये भी है, तो हम जानना चाहेंगे ये कब हुआ और आपकी जो लाइफ थी वो इब्तदा से कैसी थी, फिर ये पैराडाइम कैसे शिफ्ट हुआ और आप कैसा फील करती हैं? वेल ये बाय बर्थ है और रेटिना के वीक होने की वजह से मेरी आई साइट वीक होती गई, जो कि शुरू में नहीं पता चला था। व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड तो पता चला कि बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू रीड टेक्स्ट, तो डॉक्टर को जब चेकअप कराया तो पता चला कि मेरा रेटिना वीक है और इसका कोई क्योर नहीं है। तो उसके बाद वैसे नॉर्मल लाइफ चलती रही, क्योंकि यही इशू था मेरे साथ कि मैं टेक्स्ट पढ़ नहीं पाती थी। अब इतना है कि मुझे लाइट परसेप्शन है। सही, तो आपकी जिंदगी में आपकी जो सिस्टर्स हैं और आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट रहा, राइट? या माय फैमिली एंड सिबलिंग्स आर हेल्पिंग हैंड फॉर मी, और फैमिली के सपोर्ट और उनके एनकरेजमेंट से ही आगे बढ़ने का हौसला होता है। सो अमेजिंग, गुड टू नो। तकरीबन जितने भी पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैं और जो कामयाब होते हैं उनकी जिंदगी में यकीनन उनके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका रोल जो है वो बहुत एसेंशियल और बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपकी ब्रेल से आशनाई कब हुई, आपने ब्रेल को कब सीखा? ब्रेल को मैंने 2018 में सीखा जब मुझे पता चला कि पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट उनके लिए क्या क्या एक्सेसिबिलिटी होती है। फिंगर्स से टच करके फील करके पढ़ना शुरू किया, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, तो आप ब्रेल को कैसे देखती हैं, खासकर इंग्लिश लर्निंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है जैसे थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, तो इसमें हम ज्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं कि पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल होती है अमूमन, मैंने जो देखा है, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इन 3-4 सालों में स्टूडेंट्स को समझाना, स्टूडेंट्स को सिखाना, उनको शौक भी बहुत होता है, लेकिन उनकी सबसे जो बुरी बात होती है वो ये होती है कि उनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं और वो उस वक्त तक कभी भी सही नहीं हो सकती। मेरा जो अपना परसेप्शन है वो ये है कि वो उस वक्त तक कभी सही नहीं हो सकती कि जब तक वो ब्रेल में, जैसे कि लोगों की निगाहों से गुजरती हैं, जो साइटेड लोग होते हैं, जो हमारी साइटेड ऑडियंस होती है उनकी निगाहों से गुजरती है तो उनको याद होती है, इस तरह से जब वो उनके हाथों के नीचे से गुजरती है ब्लाइंड लोगों के, तो उनकी स्पेलिंग्स जब भी अच्छी हो सकती है जब वो ब्रेल पे पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते चले आते हैं और अमूमन स्पेलिंग्स पे ध्यान हमारा नहीं रहता, लेकिन जब हम ब्रेल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पेलिंग्स जो होती हैं वो हमारे हाथ के नीचे से गुजरनी ही गुजरनी होती हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है और उनको पढ़ के आगे जाना है, तो उस पढ़ने में जो है वो हमें स्पेलिंग्स याद हो जाती है। तो आप इस
स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? ब्रेल बहुत अच्छा मीडियम है इस चीज के लिए भी कि स्पेलिंग्स इसमें हम क्योंकि हाथों से गुजरता है और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं ज्यादा उसका कंटेंट पढ़ नहीं पाऊंगी। तो अगर ब्रेल बहुत अच्छी आती हो तो फिर तो ये बहुत ही जबरदस्त मीडियम है। जब देखते हैं स्क्रीन रीडर के थ्रू तो वहाँ पे भी हम स्पेलिंग्स काफी अच्छे तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम एक जनरल लर्नर की बात करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं। यूजुअली जब किसी भी चीज की स्पेलिंग उनको अचानक से याद आ जाएगी ना, ओ ये हम स्किप करके जा रहे हैं, फिर वो उस वर्ड पे जाके स्पेलिंग देखेंगे, अदरवाइज उनको नीड नहीं होगी कि वो स्पेलिंग देखते हुए आगे बढ़े। इसलिए जो है ब्रेल एक सिग्निफिकेंट मीडियम है के जो है वो इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सपर्ट है हमारे पास के जो एंड्रॉइड को या कंप्यूटर को लर्निंग के एतबार से अच्छा जानती हैं। तो आप कैसे देखती हैं कि जो लोग असाइनमेंट्स दूसरों से बनवा रहे होते हैं या फिर ये कह रहे होते हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम इसको नहीं कैच कर पाएंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ये सभी के लिए मुश्किल होता है या फिर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी लगन से काम करें तो ये चीजें आसान हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम मेहनत करें और खुद करने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो वो मुश्किल ही लगेगा। हर काम पहले मुश्किल ही होता है जब तक हम खुद ना करें। इसके लिए वी शुड टेक अ स्टेप। जब तक हम आगे नहीं खुद बढ़ के कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं आएगा। हर चीज को सीखने के लिए, करने के लिए एक बार कदम उठाना ही पड़ता है। जब तक हम किसी और से करवाते रहेंगे तब तक हमें तो खुद नहीं आएगा, इसलिए हमें खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपने अपने स्टूडेंट्स को कैसा पाया? आप माशाल्लाह से नई सुबह में 2018 में आई थी और अब 2020 में आप माशाल्लाह खुद पढ़ा रही हैं, बल्कि उससे पहले से पढ़ा रही हैं। तो आपने अपने स्टूडेंट्स को कैसा पाया? 2 साल हो गए हैं मैं नई सुबह में एज एन इंस्ट्रक्टर पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर भी, NLP भी और इंग्लिश भी। जैसे कि हमने देखा कि स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स में बहुत वीक होते हैं, तो मैं 1-2 निशाने करने की कोशिश करती हूँ और कंप्यूटर सिखाते सिखाते उनसे इंग्लिश में बहुत सारी टाइपिंग करवाती हूँ, इंग्लिश की स्टोरीज टाइप करवाती हूँ, साथ साथ उनको डिक्टेट करती रहती हूँ ताकि उनकी कोई भी स्पेलिंग्स उनको ना आती हो तो मुझसे पूछते रहते हैं, और टाइप करने के साथ साथ उनकी स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होती रहती हैं, उनको स्पेलिंग्स की समझ आने शुरू हो जाती है। चलो, दैट्स गुड, बहुत अच्छा लगा। आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? मेरी लाइफ के गोल्स, स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना, बिकॉज प्रोग्रेस शुड गो ऑन। एज एन एजुकेटर आई वुड लव टू स्प्रेड नॉलेज, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ही फील्ड में आगे मुझे इसी फील्ड में एज अ कोच अपने स्किल्स को और डेवलप करूंगी। चलें, दैट्स गुड। कोई मैसेज देना चाहेंगी इंग्लिश लर्नर्स के लिए स्पेसिफिकली कि वो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो ये एक्सप्रेशन यूज किया है, जैसे हम उर्दू में बातें करते हैं और हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को ना, तो इसलिए हम उर्दू में अपने आप को इजी फील करते हैं कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमें इंग्लिश के या दूसरी लैंग्वेज जब हम लैंग्वेज बोलना चाहते हैं उसमें एक्सप्रेशंस देने आ जाए अगर, तो हमें वो भी बोलने आ जाती है। जैसे कि ये फ्रेज मैंने बताया, मैं स्पेलिंग्स भी करती हूँ, easier said than done, easier, easier, said, than, done, easier said than done। चले जी, हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही बरकरार और एक फ्रेज भी शेयर हो गया, हमारे एक्सप्रेशन भी शेयर हो गया हमारे प्रोग्राम में। तो जनाब बहुत शुक्रिया अनम आपके शो में आने का, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी लाइफ से, आपकी एक्सपीरियंस से और आपसे। तो एज अ होल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही होगा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर हार्डशिप के साथ ईज और कंफर्ट भी होता है, तो कुछ भी अच्छा या बड़ा करने से पहले डरने की जरूरत नहीं, हर हार्डशिप के साथ कंफर्ट जरूर होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, सो कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच अनम,
इसी के साथ हम भी अपना प्रोग्राम रैप अप करते हैं अनम को शुक्रिया करते हुए कि अनम हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई. मिलेंगे अगले शो में विद सेम फॉर्मेट, थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे. टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, उन लोगों का भी कि जो आपको नहीं चाहते. आपका इखलाक उनके दिल पिघला सकता है. टेक केयर, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय. अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, बाय बाय.